देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना के हापुड़ स्टैंड सूर्य प्लाजा में भीड़ ने दो मोबाइल चोरों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर डाली। बाद में दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया। सूर्य पैलेस में हारून की मोबाइल की दुकान है। रविवार को दोपहर में उसकी दुकान पर चार युवक मोबाइल खरीदने पहुंचे। उनमें से एक युवक ने रियलमी का मोबाइल लिया और चुपचाप जेब में रख लिया। टॉयलेट जाने की बात कहकर वह चला गया। उसके बाकी साथी वहीं खड़े रहे। इसी बीच सीसीटीवी कैमरे में दुकान मालिक को रियलमी मोबाइल जेब में चोरी से रखने की बात का पता चल गया और उसने शोर मचा दिया। वहीं अन्य दुकानदार आ गए। गायब हुए युवक के साथियों को भीड़ ने दबोच लिया और उनकी जमकर पिटाई कर डाली। जेब से मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चोरों सागर व मनीष निवासी भगवतपुर को हिरासत में ले लिया। आखिर इन चोर लुटेरों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इन लोगों के अंदर पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। मेरठ से अरुण कुमार की रिपोर्ट। वायरल हुआ है कि उसके अंदर चोर की मोबाइल चोरी करता हुआ पकड़ा गया, क्या पूरा मामला और कहाँ का है? देखिए, थाना निसाड़ी गेट में सूर्य पैलेस का मैटर है ये। एक दुकान पर दो व्यक्ति गए थे और वो चोरी कर रहे थे। पुलिस को सूचना दी गई और इसमें तुरंत ही जो भी निगरानी किया गया है। इन बदमाशों के कब्जे से मोबाइल बरामद हुआ है। विवेचना से आगे जानकारी। सर, कितने मोबाइल बरामद हो कुछ पता चला? अभी फिलहाल एक मोबाइल बरामद हुआ है, लेकिन इनसे पूछताछ की जा रही है और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी की जा रही है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।